टीवी पर एक शो आता है कॉफी विद करण, जिसके होस्ट करण जौहर स्टार्स से ही स्टार्स की रेटिंग करवाते हैं। अब अगर दर्शक स्टार्स की रेटिंग करते हैं तो ये बात तो समझ में आती है, मगर स्टार्स से ही स्टार्स की विभिन्न पैमाने पर रेटिंग करवाने का मुश्किल काम टीवी शो पर करण जौहर जैसे डायरेक्टर चुटकियों में करवा लेते हैं। आइए सुनते हैं कि आज से बहुत साल पहले महाराजा कृष्णदेव राय और उनकी महारानी ये काम तेनालीराम से करवा पाए या नहीं। हुआ यूं कि महाराजा ने महारानी से कहा, दरबार में तेनाली जैसा चतुर कोई दूसरा नहीं है, उसे आज तक बातों में कोई नहीं हरा पाया। महारानी बोली, आप उसे कल भोजन पर बुलाइए, मैं उसे जरूर हरा दूंगी। अगले दिन तेनाली भोजन पर पधारे। महारानी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना उन्हें अपने हाथों से परोसा, बहुत आवभगत की। भोजन के बाद तेनाली राम ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया। महारानी ने मुस्कुराते हुए तेनाली से पूछा, अच्छा ये बताओ, महाराज बड़े या मैं? तेनाली समझ गए उनकी परीक्षा ली जा रही, वो तुरंत झुककर धरती को प्रणाम करने लगे। महारानी ने कहा, तेनाली ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। तेनाली बोले, महाराज आसमान तो आप धरती, आसमान को तो मैं छू भी नहीं सकता, पर धरती को झुककर दंडवत प्रणाम तो कर ही सकता हूं ना, और वही कर रहा हूं। पर इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद आज तो धरती ही बड़ी है। तेनाली का ये जवाब सुनकर महाराज और महारानी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। महारानी बोली, वाकई तेनाली, तुमने मुझे जिता भी दिया और तुम खुद हारे भी नहीं। इसे कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।